कोरोना महामारी कर्फ्यू के दौरान सीपीयू ऑफिसर ने कराया गरीब लोगों को अपने घर से बनवाकर भोजन। लॉकडाउन के दौरान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा, वहीं बाजार में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। उधम सिंह नगर का पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त नजर आया। वहीं दूसरी ओर सीपीयू कर्मी धीरज सागर जी ने मानवता की मिसाल कायम की है। जी हाँ, आपको बता दें सीपीयू कर्मी धीरज सागर जी गरीब जिनका भूख से बुरा हाल था। आपको बता दें सीपीयू ऑफिसर धीरज सागर हर रोज अपने घर से भोजन बनवाकर बुजुर्ग गरीबों को भोजन खिलाते हैं और उन्होंने हर गरीब जरूरतमंद के लिए कह रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो बता दें, जितना हो सकेगा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातों का विशेष ध्यान रखना है और आर्थिक सावधानियां भी बरतनी है। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने उत्तराखंड उधम सिंह नगर की जनता से अपील भी की और कहा मोदी जी के इस फैसले का पालन करें। ठीक है, भूख लगी तो यहीं रहना है, मैं शाम को भी कर दूंगा। ठीक है, शाम को भी। हाँ, लॉकडाउन के चलते मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो आदेश दिया है उसको जनता और समाज पूरा एक रूप मान के कड़ाई के रूप में पालन करना चाहिए। ये समस्या बहुत भयंकर है, सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। सर, ये आप जो है कितने लोग गरीब लोगों को जो है आप भोजन करा रहे हैं? हाँ सर, ऐसा ना, ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें ये जो इस तबके के आदमी भिखारी टाइम के जो रोज अपना मांग के खाते थे, अब वो समस्या इनके आगे सबसे जटिल समस्या हो गई है कि अब कोई बाहर से घर से निकल नहीं रहा तो इनके जो खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। तो अभी मैं सुबह से कल से देख रहा हूँ, मैं कल से दो तीन लोग हैं तो उनको अपने घर से बनवा के खिला के इनका इंतजाम कराए खाने का, और आगे भी ये जारी रखूँगा मैं कि जितनी मेरी कोशिश होगी इनका सुबह शाम का भोजन मैं करवाऊँगा, घर से करवाऊँगा मैं। यूपीएस न्यूज 24 की लाइव खबरों के लिए बने रहें यूपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने यूपीएस न्यूज 24 लाइव को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।